गणपति जी फेवरेट भगवान क्यों हैं और उनका क्या महत्व है? सबसे पहले मैंने बचपन में मूर्ति जो बनाई थी बप्पा की बनाई थी, तो बहुत ही ईजी है मेरे छोटी छोटी आँखें बनाना, और खासकर तो मुझे बहुत मज़ा आया था वो सूंड बनाने में। और तो बप्पा को लड्डू बहुत पसंद है और मोदक, तो वो लालच मेरे अंदर भी है, तो इसलिए मुझे बहुत क्यूट उनकी मूर्ति लगती है। और बप्पा बहुत ही प्यारे हैं, सबसे पहले हम पूजा बप्पा की करते हैं, फिर उसके बाद बाकी पूजा शुरू होती है, तो इसलिए मुझे बहुत प्यारे हैं। इस फेस्टिवल का फेवरेट पार्ट क्या है? बप्पा की आरती बहुत पसंद है, करता दुखहरता, तो उसमें जब वो ढोल के साथ वो जो आरती होती है, वो जो एनर्जी मिलती है, तो मुझे बहुत पसंद है कि आरती में जाना। तो मैं कोशिश करती हूँ अपने दोस्तों के घरों में जाऊँ तो आरती में ज़रूर पहुँच पाऊँ। इस साल कैसे बना रहे हैं आप गणपति? इस बार तो वही इंटरनेट ऑनलाइन दर्शन करेंगे और दूर से ही हाथ जोड़ेंगे, पप्पा को बोलेंगे पप्पा इस कोरोना को भगा दीजिए, और फिर से हम वैसे ही मिले, लोगों से मिल सकें और दर्शन करने घरों में जाएं और खूब कहते हैं वो प्रसाद खाएं और डांस करें नाचें। सबसे फेवरेट मेमोरी आपकी इस फेस्टिवल की? मतलब बेसुध होके नाचना, और जब विसर्जन करने जाते हैं तो बेसुध होके नाचना मुझे बहुत पसंद है। और लाल बाग के राजा के जब दर्शन करने गई थी तो वो मेरी बहुत ही प्यारी मीठी याद है, और बाबा आजमी जी के घर और मनोज पावा जी के घर पे, और फिर बहुत सारे उपड़ी चमोदक खाना, तो वो मेरी बहुत प्यारी प्यारी यादें हैं जो कि मैं इस बार बहुत मिस करूँगी। एक मैसेज व्यूअर्स के लिए? तो भैया आप सभी को पहले राधे राधे बोल रहे हैं। आप सभी अपने घरों में रहिए और इको फ्रेंडली मूर्ति लेके आइए और घर में ही विसर्जन करिए बप्पा का, तो ताकि लोगों से जो कहते हैं भीड़ भाड़ के इलाके में माहौल जो चल रहा है हमारा कोरोना का, तो हमको ये भी ख्याल रखना है। और साथ साथ में पूजा में भी आप पूजा को भी इंजॉय करिए, पर बहुत कम बाहर निकलिए, जितना हो सके कम बाहर निकलिए, और दिल से तो वैसे ही खुश रहिए और खूब नाचिए अपने घरों में, और मोदक बनाइए खाइए, और मुझे इंटरनेट से ही दूर से भेज दीजिएगा। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, राधे राधे बोल ले। तो योगेश जी, गणपति जी आपके फेवरेट भगवान हैं और उनका क्या महत्व है आपके जीवन? देखिए, घर में हो या बाहर, कभी भी कोई आप शुभ काम करने जब भी जाते हैं, तो हमने पढ़ाई से लेके, थिएटर से लेके और शूटिंग में भी गणपति की ही पहले पूजा होती है, तो कुछ भी शुभारंभ करो आप, सबसे पहले गणपति जी का ही स्मरण आदमी करता है, क्योंकि तो उससे फिर जो ऊर्जा का जो अंदर एक फील एहसास होता है, वो जो करता है वही समझ सकता है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जब भी आप कुछ भी अच्छा करने की सोचें तो सबसे पहले बोलें गणपति बप्पा मोरिया। और इस त्यौहार, अरे बहुत सारे हैं, क्योंकि शूटिंग में जैसे हम लोग सारे बिजी रहते हैं, तो जब गणपति किसी के घर पर रखे जाते हैं, मैंने अभी मतलब जहाँ मैं अभी रहता हूँ वहाँ रखे नहीं हैं, बट इसका सबसे मज़ेदार चीज़ ये होती है कि जब दो एक दिन की छुट्टी मिलती है और सबके मैसेज आते हैं कि हमने रखे हैं डेढ़ दिन के, किसी ने तो मतलब सबने अलग अलग, तो उनके घरों में जाके एक जो दर्शन करने का, और हर गणपति की मूर्ति एकदम हर घर में अलग दिखती है, तो इतना मज़ा आता है, किसी ने ऐसे कुछ और झांकी लगाई है, तो वो जो पूरे दिन भर का जो एक भ्रमण होता है उसमें भी एक कमाल की ऊर्जा होती है, और सभी के घरों में जा जा के तरह तरह की चीज़ें खाते पीते मस्ती की बातें होती हैं, तो छोटे से एक बंदर रिलीफ मिलता है, तो बहुत मज़ा आता है। और इस साल कैसे बना रहे हैं आप गणपति? इस साल ज़्यादा ऐसा है कि थोड़ा कोरोना नाम की जो चिराग आई है ना, माने ऐसी राय तो फैलाता हुआ कि हमें लग रहा है कि जो पहले जैसा तो गणपति बप्पा को जो फेस्टिवल है वैसे ज़्यादा ना मने को भीड़ भाव चल रहा है, तो थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, लेकिन श्रद्धा वही होगी, अंदर से श्रद्धा वही है गणपति बप्पा मोरिया। इस त्यौहार की फेवरेट मेमोरी आपकी लाइफ में? यही है, मैं तो सुबह से जो निकल जाता था कभी फैमिली के साथ कभी दोस्तों के साथ, तो ये चीज़ मिस करूँगा, क्योंकि तो इस बार कोरोना की वजह से ऐसे जो लोगों के घरों घरों में जाना है ना बारी बारी से, जो एकदम बचपन की याद दिलाता है, कुछ के खाने निकल जाते थे ऐसे, ये फेस्टिवल मुंबई का तो बहुत बड़ा फेस्टिवल है, तो ये चीज़ मिस करूँगा कि मैं इस बार हमारे जो डायरेक्टर हैं शशांक जी, उनके घर हमेशा जाते थे और दोस्तों के घर जाते थे, तिवारी जी हमारे रखते हैं, ऐसे कई सारे यादगार पल हैं, उनको मिस करूँगा, लेकिन फ़ोन पर बात ज़रूर होगी। और हमारे व्यूअर्स के लिए कोई मैसेज? दादा, हम भी आपसे यही कहेंगे कि आप आज की सिचुएशन को देखते हुए थोड़ी मन को कंट्रोल में रखो और घर में ही मनाओ, लोगों से मिलो जुलो या फोन पे कर लो, बट कोरोना की सिचुएशन जैसी चल रही है तो सोशल डिस्टेंसिंग का आप भी ख्याल रखें। बाकी गणपति बप्पा मोरिया।